ठंडा हो गया हो तो अच्छा नहीं, वहाँ पे कटलेट ठंडे हो गए हो तो ठंडा हो गया। हम तो पहचान गए कि खाना आप ही ने बनाया होगा, पर आप यहाँ पर क्यों बना रही हो इतनी गर्मी में? मैं तो तुमसे इनको बोल रही हूँ, क्या सविता जी आप इतनी गर्मी में क्या कर रही है? क्यों जिद्दी है ना इतनी, तुम्हारी बात सुन ही नहीं रही है। बोले नहीं, ये बड़ी जगह है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं यही खाना बनाऊंगी। मम्मी आपको क्यों हो गया? वो क्या है ना कि सविता जी आने के लिए ही तैयार नहीं थी, मां नहीं रह रही थी, तो मैंने सोचा उन्हें कंपनी देने के लिए यहाँ किसी ना किसी को होना चाहिए, तो मैं यहाँ रुक गई और थोड़ा हाथ भी बटा दिया। एंड यू नो मुझे ये सब कुछ करने की आदत नहीं है, तो ये हालत हाल बेहाल है। मेनका ऐसी औरत है जिसे हमेशा खूबसूरत दिखना पसंद है, अच्छा रहना पसंद है, बस सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है, कुछ काम उसके ऊपर ऐसे आ जाते हैं जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किए, तो वो करते करते उसके हाल बेहाल हो जाते हैं और वो इतनी सुंदर दिखने लगती है। कब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चालीस सुनी ले रहे। कौन सी भाषा में रिक्वेस्ट कर रहे थे आप? आप यहाँ पर क्या कर रही हो? घर पे बर्थडे है, पार्टी चल रही है, वहाँ पर चलते हैं ना। मॉम भी इतना इंसिस्ट कर रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वैभव एक्चुअली उनका बेटा है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उसे छीन के अपना बेटा बना लूँ, मेरा जमाई बना लूँ, ताकि वो अपनी सगी माँ से प्यार कम करे, मुझसे ज़्यादा करने लगे, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे और उसका ज़्यादा इंसल्ट करे। बट मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, आखिर माँ माँ होती है, तो जब मैं देखती हूँ कि नहीं मेरा प्लान फेल जा रहा है, आखिर बेटा माँ की तरफ थोड़ा भी इमोशनल हो रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, प्यार दे रहा है, सो आई एम नॉट लाइकिंग इट। मेनका बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही, तो सीन में वही चल रहा है कि वो इतना कुछ कर रही है, खुद की हालत ख़राब हो गई है, बट एक माँ का बेटे का जो प्यार है उसे वो रोक नहीं पा रही, एंड शी इज़ नॉट लाइकिंग इट। तो बाबा टर्न्स एंड ट्विस्ट आएंगे, सबसे पहले मेनका अपना ये जो हुलिया है वो ठीक करेगी, वरना लोगों वो पकड़ी जाएगी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। सो आगे डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ करेगी ताकि वैभव को अपनी पार्टी में ले सके और सविता जी को जितना खराब माँ दिखा सके, और मैं कितनी अच्छी माँ हूँ, बेहतर माँ हूँ, ये दिखाने की वो डेफिनेटली कोशिश करेगी। इफ़ फैंस आर लविंग इट, आई एम थैंकफुल। द क्रेडिट डेफिनेटली गोज़ टू द क्रिएटिव्स, बिकॉज ये उनकी आइडिया है, हम लोग यहाँ एग्जीक्यूशन करते हैं, डायरेक्शन टीम हमें गाइड करती है, सो इट्स अ टीम एफर्ट, एंड अगर सबको पसंद रहा आ रहा है, सो वी ऑल आर थैंकफुल। थैंक यू।